गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन बेटे आज हम करेंगे इंग्लिश का वर्क चेंज द नंबर चेंज द नंबर मतलब एक से ज़्यादा में बदलना जब एक चीज़ होती है तो कैसे लिखते हैं और जब ज़्यादा चीज़ होती है तो हम कैसे लिखते हैं ठीक है ठीके? पहले आप इसको देखेंगे फिर इसको नीट एंड क्लीन राइटिंग में साफ साफ अपनी नोटबुक में करेंगे लुक वॉट इज दिस बॉल स्पेलिंग ऑफ बॉल बी ए डबल एल क्या है बी ए डबल एल ये एक बॉल है इसलिए हमने बॉल लिखा और जब बहुत सारी बॉल हो जाएंगी तो हम क्या लिखेंगे बॉल्स क्या लिखेंगे बॉल्स बी ए डबल एल एस क्या लिखेंगे बी ए डबल एल एस बॉल्स बॉल बॉल्स ओके नेक्स्ट इज एप्पल ए डबल पी एल ई एप्पल एप्पल मीन सेब और जब बहुत सारे सेव हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको एप्पल्स ए डबल पी एल ई एस ए डबल पी एल ई एस ये तो है सिंपल वाले नंबर्स जिनको चेंज करना जिसके पीछे सिर्फ एस आता है ठीक है आगे देखेंगे नेक्स्ट है ट्री टी आर डबल ई ट्री ट्री मतलब पेड़ और जब बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे ट्रीज टी आर डबल ई एस ट्रीज क्या हो जाएंगे ट्रीज ओके अब नेक्स्ट है की के ई वाई की क्या है के ई वाई की तो इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा नंबर चेंज हो के क्या हो जाएगा कीज के ई वाई एस कीज के ई वाई एस कीज अभी आपने देखा होगा पहले फर्स्ट क्लास में भी कि मैम कहती थी जब लास्ट में वाई आ गया तो वाई को हटा के आई ई एस लगा दो बोलते थे ना पहले क्लास में मैडम कि वाई आ गया तो वाई को हटा के आई ई एस लगा दो लेकिन मैम ने तो इधर वाई को हटा के आई ई एस नहीं लगाया नहीं लगाया ना क्यों नहीं लगाया क्योंकि वाई से पहले जो है वो हमारी वोवल साउंड है कौन सी साउंड है वोवल वोवल कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू होते हैं ना अगर वाई से पहले वोवल साउंड है तो हम सिंपल एस ही लगाएंगे ठीक है क्या लगाएंगे एस देखो अब वाई से पहले इसमें ई e है ना तो ई क्या है वोवल साउंड है तो हमने क्या लगाया इधर एस तो क्या हो गया की नेक्स्ट है कैंडी सी ए एन डी वाई कैंडी अब देखो वाई से पहले वोवल साउंड तो नहीं है कॉन्सोनेंट साउंड है तो वाई हटा के क्या लग जाएगा क्या लग जाएगा वाई आई ई एस तो क्या बन जाएगा कैंडीज सी ए एन डी आई ई एस कैंडीज ठीक है वाई से पहले vowel साउंड नहीं थी तो हमने क्या कर दिया वाई हटा के आई ई एस लगा दिया अब इसमें की वाले में जो था उसमें वाई से पहले vowel साउंड थी तो हमने वाई को नहीं हटाया सिंपल हमने एस लगाया ओके नेक्स्ट है बटरफ्लाई बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई बटरफ्लाई अब दोबारा देखो वाई से पहले consonant साउंड है vowel साउंड तो नहीं है तो हम वाई हटा के क्या लगाएंगे आई ई एस क्या लगाएंगे आई ई एस तो क्या बन जाएगा बटरफ्लाइज बी यू डबल टी ई आर एफ एल आई ई एस बटरफ्लाइज ओके नेक्स्ट इज टैडी टी ई डबल डी वाई टैडी दोबारा देखो वाई से पहले कौन सोनेंट साउंड है तो क्या हो जाएगा वाई हटा के क्या बन जाएगा आई ई एस तो क्या हो जाएगा टैडीज क्या हो जाएंगे टेडीज टी ई डबल डी आई ई एस टैडीज ओके अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं दूसरा फॉर्म लीफ जब भी बोलते टाइम लास्ट में फ की साउंड आए तो हमें क्या करना है एफ को हटा कर क्या लगाना है वी ई एस क्या लगाना है वी ई एस अब देखो लीफ फ की साउंड आई ना तो इसको कैसे चेंज हो जाएगा लीव्स एल ई ए एलई ए -E तो इधर से लिखा ठीक है एफ को हटा के हमने क्या लगाना है वी ई एस तो हमने एफ को हटा के लगा दिया वी ई एस तो क्या बन गया ये लीव्स एल ई ए वी ई एस लीव्स ठीक है नेक्स्ट इज नाइफ जब बोलते हैं तो हम आवाज फ की आती है लेकिन लास्ट में ई है ना तो इस ई से डरना नहीं है लेकिन जब बोल रहे हैं तो आवाज फ की आती है नाइफ इसको कनाइफ नहीं पढ़ेंगे के की आवाज नहीं आती इसमें ठीक है थीके? क्या पढ़ेंगे इसको नाइफ तो एफ की आवाज आई तो एफ हटा के हमने क्या लगाना है वी ई एस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये नाइफ्स के एन आई ई एस नाइफ्स अब दूसरा फॉर्म देखते हैं एक टोमैटो जब भी लास्ट में ओ आ जाता है तो हम उस ओ के साथ ई एस यूज करते हैं क्या यूज करते हैं ई एस क्या यूज करेंगे ई एस टमैटो टी ओ एम ए टी ओ टमेटो टमाटो का जब बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा टोमैटोज टी ओ एम ए टी ओ ई एस टोमैटोज ठीक है अब हमने ओ के साथ क्या यूज किया ई e एस क्या यूज किया ई e एस ऐसे ही एक और देखेंगे पटैटो सॉरी पटैटो ठीक है लास्ट में फिर ओ आ गया पी ओ टी ए टी ओ पटैटो तो इसका फॉर्म नंबर कैसे चेंज हो जाएगा पटैटोज पी ओ टी ए टी ओ ई -E एस पटैटोज ठीक है एक होता है एक दिखाती हूँ मैं आपको जो थोड़ा अन ईवन है इनसे इन अलग इनका रूल है इसका कोई एक्चुअली रूल ही नहीं है अलग ही तरह का है ये टूथ जब एक दांत होता है हम उसको बोलते हैं टूथ और जब बहुत सारे दांत होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं टीथ ये एक अन नंबर है ठीक है ये एक अनिवार नंबर है इसके इसलिए इसका ऐसा कोई रूल नहीं है अब आपको समझ में आया जो नॉर्मल होते हैं जब एक से ज्यादा चेंज करते हैं तो हम उसके साथ एस लगा देते हैं जब नॉर्मल होते हैं तो हम उसके साथ एस लगा देते हैं ठीक है अगर वाई आ गया लास्ट में लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो फिर हम आई ई एस लगाएंगे ठीक है वाई लास्ट में आया लेकिन उससे पहले वोवल साउंड है ए ई आई ओ यू तो हम उसके साथ एस लगाएंगे ठीक है नहीं तो आई ई एस लगाएंगे कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस लगाएंगे वोवल है तो एस लगाएंगे एफ लास्ट में आया फ की साउंड आई लास्ट में तो वी ई एस लगाएंगे एफ को हटा के और अगर ओ आ रहा है लास्ट में तो हम ओ के साथ ई e, एस लगाएंगे इसमें और इसमें वाई में और एफ में ये लास्ट वाला अक्षर हटा देते हैं लेकिन ओ में हटाते नहीं है ओ के साथ ही ई e, एस लगाते हैं ओके अब आप ध्यान से इसको करना ओके गुड बाय